हनुमान जी की पूजा से मिलता क्या क्या है सुनिएगा। 10 लाभ हैं हनुमान जी की पूजा से। कितने कितने बोलो बोलो बोलो। हनुमान जी की पूजा से 10 लाभ। पहला लाभ क्या? भूत पिशाच, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ये पहला लाभ है। नेगेटिव एनर्जी परेशान कर रही हो, गंदे विचार बच्चों को आते हो, छोटे बच्चों का मन अशांत रहता हो, पढ़ने में दिक्कत रहती हो, रोज सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाइए। इस चौपाई से हवन करवाइएगा, भूत पिशाच से नकारात्मक ऊर्जा भग जाएगी, विचार शुद्ध हो जाएंगे और हनुमान जी की पूजा से पहला लाभ प्राप्त हो जाएगा। अच्छा इतना ही नहीं, हनुमान जी से 10 लाभ है पूजा से। दूसरा लाभ क्या है? आहा, हनुमान जी की पूजा से दूसरा लाभ भी सुनिएगा। कैसी भी बाधा हो, कोई भी बाधा, कौन सी बाधा? ग्रह बाधा। ग्रह कितने होते हैं? 9। उनको क्या कहते हैं? नवग्रह। अच्छा 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? शनि देवता। और हनुमान जी ने शनि देव को ही ठिकाने लगाया। लंका में जब शनि भाई साहब उल्टे लटके थे तो हनुमान जी पहुंचे, बोले हाउ आर यू? शनि देवता बोले क्या हाउ आर यू? पेट की आते सिर में आ गई, उल्टे लटके पैर ऊपर है सिर नीचे। हनुमान जी बोले ये हाल क्यों है? बोले पूछो मत, रावण के कारण। हनुमान जी बोले तो करें क्या? शनि देव बोले हमें सीधा भर कर दो, छुड़ाना मत, सीधा कर दो। हनुमान जी बोले नो 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 नो। शनि बोले क्यों? बोले तुम बहुत खतरनाक हो, जो तुम्हारे साथ अच्छा करता है तुम उसी को चिबक जाते। शनि देवता बोलो हे बजरंग बली, हम तुम्हारे चरण पकड़ रहे, कसम खा के कह रहे, आप तो आपके दुनिया में जितने भक्त हैं हम उनको कभी बुरी नजर से नहीं देखेंगे, ये हम आपको वचन देते हैं। दूसरा लाभ क्या? नवग्रह कितने होते हैं? इनको कहते हैं नवग्रह। लेकिन नवग्रह के ऊपर ऊपर अगर हनुमान जी का हो जाए अनुग्रह तो क्या बिगाड़ेंगे नवग्रह। ये दूसरा लाभ है हनुमान जी की पूजा से। तीसरा लाभ क्या है जरा सुनिएगा। आहा, तीसरा लाभ बड़ा प्यारा है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। गाओ नासे हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये हनुमान जी की पूजा करने का तीसरा लाभ है। रोग हो, बीमारी हो, दबा कामना कर रही हो, आप हनुमान जी की पूजा करिए, हनुमान जी के भक्त बन जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए तो होगा क्या? दवा असर करने लगेगी, रोग मिट जाएगा। और नासे रोग हरे सब जपत निरंतर हनुमत बीरा। अच्छा चौथा लाभ क्या है हनुमान जी की पूजा से? आहा, चौथा लाभ हनुमान जी के भक्तों को एक और बहुत बढ़िया है। जो सतबार पाठ कर कोई, जो सतबार आइए पाठ कर कोई, छूट बंदी महासुख होई, छूट बंदी महासुख। इतना सुनिएगा, छूट हैं बंदी महासुख हो, छूट बंदी महासुख। ये हनुमान जी की पूजा करने का चौथा लाभ है। क्या?
जो हनुमान जी का भक्त होता, हनुमान जी की पूजा करता, वो कोर्ट में, कचहरी में, मुकदमा में, बंधन में, उच्चाटन में, मारण में, बसीकरण में अगर बंधा हो तो वो हनुमान चालीसा पाठ से और हनुमान जी की पूजा से मुक्त हो जाता है। अच्छा, पांचवा लाभ क्या है हनुमान जी की पूजा से? पांचवा लाभ है टोटका के बंधन से हनुमान जी बचाते, कैसा भी टोटका हो हनुमान जी बचाते। क्यों? अहिरावण जिसके पास अतुलनीय बल था, बहुत बल था, हनुमान जी के पास अतुलनीय बल है। पंचमुखी हनुमान बनकर के अहिरावण जैसे को ठिकाने हनुमान जी ने लगा दिया। तो पंचमुखी हनुमान जी की जो पूजा करता है उसके ऊपर कितना भी खतरनाक बाधा की गई हो, उसकी बाधा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। ये पांचवा लाभ। छठवा लाभ क्या है? कोई भी दुर्घटना का लेख लिखा हो, होगा तो, लेकिन बड़े स्तर में नहीं, सूक्ष्म रूप में निकल जाएगा, क्योंकि संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, बोलो 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 बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो छठवा लाभ है दुर्घटना से वीर बजरंग बली बचाते हैं। अब सातवां लाभ सुनिएगा। आहाहा, आपको किसी भी प्रकार से कर्ज हो गया हो, काम नहीं बन पा रहे हो, आज आप नोट कर लीजिएगा उपाय। आप 11 पत्ता पान के ले तांबूल, उन पर राम लिखकर अपना गोत्र लिख दें और शनिवार या मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में 11 बार जाकर चढ़ा दें। एक एक पान का पत्ता शाम को उठाते रहें, 11 बार चढ़ाने से 11 पान के पत्ते आप अपने पर्स में रख लीजिएगा, जहां जाएंगे काम फतेह करके आप आएंगे। ये हनुमान जी के भक्ति से सातवा उपाय लाभ है। आठवां लाभ क्या है हनुमान जी की भक्ति से? आहाहा, डिप्रेशन हो गया हो, स्ट्रेस हो गया हो, दिमाग बड़ा भड़भड़ाया रहता हो, हमारी हनुमान जी की पूजा करिए। क्यों? कपि चंचल, हनुमान जी कपि हैं और चंचल हैं, और बानरों को देखकर स्वभाव बस हंसी छूट जाती। हाँ जी या ना जी बोलिएगा, हाँ जी या ना जी। हनुमान जी बंदर नहीं है, अरे बंदर हैं भी, फिर भी राम कथा के कारण ये सुंदर हैं। हनुमान जी को देखकर अच्छे अच्छे टेंशन में टेंशन मुक्त वाले हो जाते हैं और टेंशन युक्त वाले टेंशन मुक्त हो जाते हैं। ये हनुमान जी की भक्ति से आठवां लाभ है। आहाहा, नौवां लाभ कौन सा है हनुमान जी की भक्ति से? नौवां लाभ है ज्ञान और बुद्धि बढ़ती है। जिस बालक का दिमाग कमजोर हो, मंद बुद्धि हो, हनुमान चालीसा का पाठ करिए अथवा करवाइए और उसको हनुमान जी के चरणों का जल प्रतिदिन पिलाइएगा। आहाहा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। हनुमान जी क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर,
जय कपीस त्यों लोग उजागर। जिस बालक को मंद बुद्धि हो, आयु से पीछे चल रहा हो, ब्रेन कमजोर हो, हनुमान जी ज्ञानी नामा गिरगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम है, हनुमान चालीसा का पाठ करवा करके हनुमान जी के चरणों का जल पिलाइएगा, नौमा लाभ होगा, बुद्धि प्रबल होगी और आप सबल हो जाएंगे। दसवां लाभ सुनिएगा, अंतिम लाभ हनुमान जी की भक्ति से क्या है, आहाहा, यश की प्राप्ति होती है और गुरु की कृपा होती है, जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है। इसलिए गुरु बलवान होना चाहिए, इसलिए तो हनुमान जी गुरु कैसे हैं, जय 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 हनुमान गुसाई, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करम गुरु देव की नाही, जय 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 बोलो हनुमान गोसाई, कृपा करहुं गुरु देव की नाही। हनुमान जी को मानने वाले भक्त को दसवां लाभ ये होता है, एक बढ़िया सा गुरु मिल जाता है। होता क्या, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरे मन के घोड़े रोके ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले। कौन कौन ऐसा गुरु चाहता है, जरा हाथ उठाओ ना, तो हनुमान जी से कहो जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहुं गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहुं गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गुसाई, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहुं गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहुं गुरुदेव की नाई। तो दसवां लाभ क्या है, आहाहा, श्री हनुमान जी की पूजा करने का दसवां लाभ है कि एक अच्छे सदगुरु की प्राप्ति हो जाती और हनुमान जी ही गुरु रूप में प्राप्त हो जाते हैं। बोलो सीताराम, सीताराम, जोर से बोलो सीताराम, बस बन गओ काम। आपने कहा सीताराम, सोई बन गया काम, अब तुम्हें बीमारियों में मिल जाएगा आराम।